फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अजय देवगन की बहुत ही पॉपुलर मूवी दिलवाले के पार्ट टू पर। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में अपने रिव्यू शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग सर। एट ईज। इंस्पेक्टर, ये है एडवोकेट सिन्हा। सिन्हा साहब, ये है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हेलो इंस्पेक्टर, आज से पागल अरुण का केस तुम संभालोगे। अरुण सक्सेना, उस पागल का केस? डंडा नीचे करो। सॉरी सर। इंस्पेक्टर, अरुण सक्सेना सिर्फ पागल ही नहीं, मुजरिम भी है। इंस्पेक्टर, उसने खून किया है, उसे फांसी की सजा मिल चुकी है, टू बी हैंग अंटिल डेथ। लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। सर, सर मुझसे ठीक ठाक लोग तो बर्दाश्त नहीं होते, वो पागल के साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। डंडा नीचे। सॉरी सर। वैसे भी तुम्हारा डंडा मुजरिमों पे कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी वर्दी उतार दो। उतार दूं? अरुण सक्सेना को पुलिस वालों से सख्त नफरत है, वो वर्दी देखते ही भड़क उठता है। पर हम जहाँ कह रहे हैं, कोर्ट की तरफ से अरुण सक्सेना की दिमागी हालत पता करने की नोटिस आई है, इसलिए हम पागल खाने जा रहे हैं। अब बताइए डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा मुजरिम अरुण सक्सेना? वो फांसी के लायक हुआ या नहीं? वकील साहब, कोई पागल 24 घंटे पागल नहीं होता, और ये अरुण सक्सेना तो एक अजीब केस है, अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। उसकी कई शख्सियतें हैं, अचानक गुस्सा हो जाता है और फिर अगले पल शायरी करने लगता है। उस दिन मैंने उससे कहा, तुम कायर हो, अपने पागलपन के आड़ में छुपे बैठे हो। तो कहता क्या है, डॉक्टर मैं कायर नहीं, मैं शायर हूँ। मेरे ख्याल से उसे मिल लिया जाए। सर क्यों नहीं, देशपांडे? यस सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके सर पे कब खून सवार हो जाए और वो किस चीज को हथियार बना ले, कहा नहीं जा सकता। अरुण सक्सेना को यहां ले आइए। अरुण, कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब है ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं? तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं। मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 6425757। 6425757? 6425757? लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे
उसे मेरा टेलीफोन नंबर? इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली है। देखा देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? लेकिन लेकिन मुझे और शौक मत देना, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा, ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अरुण, तुम यहां से चले जाना चाहते हो ना? हम तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। अरे सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे, उसी ने तुम्हें यहां भेजा है, ये उसी की चाल है। अरुण, मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ वाली किसी को, मार दूंगा सपना को। मैंने तो सिर्फ सपना कहा था। सपना ही तो वो लड़की है जिसके कारण ये पागल हुआ और हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। अच्छा। अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। बस सपना, बस तेरी हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। मुझे मत रोकिए मामा जी। कैसे ना रोकूं? तेरी माँ को मरते वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं तेरी देखभाल करूंगा, और जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी बेटी, उस दिन ये सारी जायदाद तुझे सौंप कर मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा। पर बेटी, तेरे प्यार में कभी कमी ना आए, इसी वजह से मैंने भी शादी नहीं की। और मैंने शादी की पर बच्चा पैदा नहीं किया, बांझ बना रहा। बांझ बने रहे, बांझ तो मैं बनी रही बेटी, ताकि तेरा प्यार कोई बांट ना सके। मैं जानती हूँ मामी जी, छोटे मामा, आप सबने बहुत किया है मेरे लिए, मगर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बेटी उसे भूल जा, हम कोई अच्छा सा छोरा देख के तेरे हाथ पीले कर देते हैं। मुझसे शादी की बात कभी मत कीजिएगा, मैं शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। भगवान, क्या ये कभी शादी नहीं करेगी? क्या हमें हमेशा इस जायदाद को संभालना पड़ेगा? ए नौटंकी वाले, जरा एक्टिंग कम क्या कर, कहीं उसे हमारी असलियत ना पता चल जाए। माल लाया हूँ सेठ जी, चरस और अफीम ट्रकों में। सैंपल निकाल के टेकरी पे ले आ, मामा ठाकुर देखना चाहेंगे। आजा। ठीक है। ये चरस को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान के चार महानगरों में भिजवा दो। बिलावल, बंदूकों और बमों का क्या हुआ? सर, आजकल बॉर्डर पर बीएसएफ का सख्त पहरा चल रहा है। शहर में बमों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, किसी भी तरह हमारे एजेंट को बॉर्डर पार करवा दो। मामा ठाकुर, हमें अपने गोदामों पे पहरा बढ़ाना होगा। एक इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, उसे अपना डंडा चलाने का बड़ा शौक है। कौन है इंस्पेक्टर विक्रम और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? इसके बारे में दिल्ली बात कीजिए। वैसे भी हमें वहां से अपने नए पेट्रोल पंप डिपार्टमेंटल स्टोर के उद्घाटन के लिए मनुष्य को तो बुलाना ही है। वो सब तो हो जाएगा। सबसे पहले सपना की शादी करानी होगी। उसकी शादी होते ही वसीयत के मुताबिक 200 करोड़ की जायदाद उसके हाथ आएगी, यानी हमारे हाथ आएगी, यानी हमारा ये धंधा 200 गुना बढ़ जाएगा, यानी हम इस धंधे के बेताज बादशाह बन जाएंगे। पागलों वाली हरकत करते हैं और कभी जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। उन्होंने बताया अभी तक कि वो कभी पागल हो जाता है, कभी जो है बहुत एक्साइट हो जाता है, तो आप लोग बच के रहिए। जब वो उनका टेलीफोन नंबर बता रहे थे कि तुम पुलिस वाले हो, तो कैसे सटी एकदम सरप्राइज, मतलब
उन्होंने कुछ बताया भी नहीं और इनको सब बताया। और उन्होंने ना बताया था ना कि ये पुलिस वाला है, इनका ये जो नंबर है, तो वो और ज्यादा सरप्राइज थे कि इनको तो सब कुछ पता है। और मामा लोग कैसे सपना को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, ये सब ये नहीं चाहिए, बता रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। तो मतलब फिकर में कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, हम तुम्हारी बहुत परवाह कर रहे हैं, हमने शादी नहीं की। दूसरे मामा कहते हैं कि हमने शादी की तो हमने बच्चे नहीं पैदा किए। मामी भी ओवर एक्टिंग करने लग जाती है, जब सपना चले जाते तो मामा कहते हैं प्लीज इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करो, नहीं तो इसको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।